पार्लियामेंट के पास पूरे अधिकार हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, लेकिन इसमें तो पार्लियामेंट के पास गया ही नहीं, ये तो ऐसे ही पास करके ऐसे ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट लेके इसको लागू कर दिया। अपोजिशन को नहीं आपने सुना, कश्मीर के लोगों को नहीं सुना और ऐसे जाके कर दिए। सो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सर जिस तरह से कहीं बड़े फैसले कहीं ना कहीं असर करते, खासकर राज्य की बात करें पंजाब, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो पंजाब पे किसी तरह का असर देख रहे हैं? हम नहीं समझते कि होना चाहिए, लेकिन यहाँ और भी बातें हैं ना। एक तो वी आर बॉर्डर स्टेट विद पाकिस्तान, एक बॉर्डर स्टेट कश्मीर के साथ, और ऐसे जब कश्मीर में कोई ऐसी बातें हो रही हैं और लोगों का ध्यान उधर है, कहीं इधर ना कुछ पाकिस्तान वाले कर दें, तो हमें तो तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी और हम रख रहे हैं। पुलिस को रीइन्फोर्समेंट हमने कह दिया भेजने को, और सारे सर्विसेज वगैरह अपने टोज पे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे। और सबसे ज़्यादा ये है कि मेरे पास 8,000 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे पंजाब में, उनकी देखभाल भी मैंने करनी है, देखना है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो वो सब प्रबंध हम कर रहे हैं। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें तैनात है।